students, this is me, Archana Singh. Today we will start our grammar portion. Okay, it's a just a revision for your grammar because the sentence you have already studied. The sentence क्या होता है, subject predicate क्या होता है. तो एक revision type का करेंगे हम लोग. उसके बाद next video में exercise करेंगे. ठीक है? Sentence क्या होता है? हम लोगों को भी definition पढ़ना हुआ है. The group of words which make complete sense. तो सिर्फ इतना बोलना काफ़ी है क्या? जैसे कि मैं बोल रही हूँ डाइव इन द पूल स्विमर, तो ये एक, ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? डाइव द Uh-huh.
number या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज है। ठीक है, ये पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं बोलूंगी, एग्जांपल दे रही हूं, आई एम अ टीचर, तो यहां पे हमें पता है कि जो आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई एम अ टीचर, यहां पे एम क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें दूसरा वाला, तो होता है ही इज अ टीचर। अब यहां पे क्या है, ही जो सब्जेक्ट है, इज क्या है, ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या पर्सन या नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है, दे लव सिंगिंग। ठीक है, दे लव सिंगिंग, उन्हें गाना पसंद है। दूसरा एग्जांपल, ही लव्स सिंगिंग। तो यहाँ पे जो वर्ब है हमारा या जो फाइनाइट वर्ब है, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ। दे लव सिंगिंग, ही लव सिंगिंग, तो वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अनुसार चेंज नहीं होता है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने पढ़ा है इन्फिनिटिव्स, पार्टिसिपल, जिरेंड। जिरेंड क्या काम करता है, वो एक जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जिरेंड में क्या होता है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में जो रहता है वो जिरेंड कहलाता है। जिरेंड जो है एज अ नाउन एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं तो एज्यूम करना पड़ता है कि जस्ट ये एक सेंटेंस है, तो उसमें जिरेंड क्या है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस डाल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा, अब हम लोग रिवीजन करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का। तो हम लोगों ने पढ़ा है असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, सिंपल कंपाउंड, बहुत सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके पर्पस पे, कंप्लीटनेस पे, सिंटेक्स पे या फॉर्म पे। तो सिर्फ पर्पस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो फोर काइंड्स रहते हैं। पहला है असर्टिव। असर्टिव में आप इस बुक में देख लेना एक बार, पेज नंबर 6 है आई थिंक, यस इट इज इन पेज नंबर 6, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये जितने भी येलो स्क्वायर में है, ये सारे डेफिनेशंस विथ टू टू एग्जांपल्स आप कॉपी में नोट डाउन करोगे। ठीक है, द सेंटेंस का डेफिनेशन लिखना, उसके बाद सीधे यहाँ पे आ जाना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सबको अंडरस्टूड होता है, उतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आते हैं, पहला असर्टिव। ओके, नाउ वी विल स्टडी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में फर्स्ट आता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी और आ जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। पॉजिटिव सेंटेंस को आप क्या बोलते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है या कुछ फैक्ट को स्टेट करता है या एक
examples हैं, जैसे कि रोहित इज लर्निंग इंग्लिश, आई लाइक आइसक्रीम, शी लाइक्स टीचिंग इंग्लिश, तो ये सारे असर्टिव सेंटेंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हर सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, और जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, मींस जो हम क्वेश्चन पूछते हैं डेली हाउस होल्ड वर्क के लिए या किसी भी काम के लिए, अगर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, वुड यू गो टू द स्कूल टुडे, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि ये एक इंट्रोगेशन मीन्स क्वेश्चनिंग से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में बहुत सारे आते हैं, है ना, मतलब कि एडवाइस हो गया आपका, रिक्वेस्ट हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, या फिर वार्निंग हो गया। इस टाइप की जो सेंटेंसेस है वो इंपरेटिव सेंटेंस में आ रहे हैं। अगर आपको कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो वो इंग्लिश सेंटेंस का एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना, वो एक्सप्रेशन के साथ कि हाँ वो किस मतलब टाइप में आ रहा है। जैसे कि अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस का देखें तो फिर यहाँ पे आता है गो अवे, मैं किसी को ऑर्डर दे, हाँ गो अवे, यहाँ से चले जाओ। इंपरेटिव सेंटेंस में मोस्टली क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसको हम एज्यूम करते हैं। अब मैं बोलूँ गो अवे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू गो अवे, मैंने यू नहीं लगाया है, लेकिन आपको समझना है कि यू यहाँ पे है, ठीक है, अज्यूम करना। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, प्लीज़ क्लोज द विंडो, प्लीज़ ब्रिंग द चॉक, तो ये ऐसे इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस। कमांड, डू द वर्क इमिडिएटली, ठीक है, डू द वर्क इमिडिएटली, मतलब तुरंत ये काम करो, तो ये क्या है, कमांड दे रही हूँ। किसी को एडवाइस दे रही हूँ, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करते हो तो आप जाहिर सी बात है सक्सेस मिलेगी आपको, तो ये एक एडवाइस हो गया। अब वार्निंग, डोंट टच माय फोन, डोंट गो आउट ऑफ द क्लास, तो ये सारे वार्निंग्स हैं, क्लास के बाहर नहीं जाना, मेरा फोन मत छू, तो ये सारे क्या है, वार्निंग्स हैं। तो मतलब इस तरीके से आप थोड़ा सा सोच के ध्यान लगा के और ध्यान से इसको समझना, समझोगे तभी आपको ग्रामर याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी मींस एक्सक्लेम करना, सडन एक्सप्रेशन देना, वाओ, ब्यूटीफुल, हुर्रे, तो ये सारे जो एक्सक्लेमेशंस आते हैं, अगर ये हम सेंटेंस में डाल के कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो वो क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, आप सबको पता होगा, है ना, पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, तो उतना ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं आएगी। हुर्रे, वी वन द मैच, वाओ, आई स्कोर 90 मार्क्स इन इंग्लिश, तो इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं, हम अपने फीलिंग्स को, जॉय को, कभी कभी सैडनेस को भी हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस बनाने की, फ्रेम करने की कोशिश करो, इसके बाद
आप बुक परचेज कर लीजिए स्कूल से. मंडे टू फ्राइडे स्कूल ओपन है 8 to 12. आके आप अपनी इंग्लिश की बुक परचेज कर लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रामा पोर्शन बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो वो आप मेरे साथ ही साथ वीडियो के साथ ही साथ बना देंगे.